क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज। अभी अभी हमने स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था कि जो ओव्यूल्स हैं वो ओवरी में किस तरीके से अरेंज्ड हैं, हमने बहुत सारी इमेजेस भी देखी थी। तो इस अरेंजमेंट को ही क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन। सो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, या अगर हम बात करें अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी। जैसे कि अभी अभी हमने देखा मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। या इसको हम और भी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इट इज द प्रेजेंस ऑफ द नंबर और पोजिशन, नंबर पोजीशन अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेंटा इन द ओवरी ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच। सो नंबर पोजीशन एंड अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इन ओवरी ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड, ऑन विच ओव्यूल्स आर अटैच्ड, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्लेसेंटेशन। तो यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी की अगर बात करें, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्लोरल पेटल्स और सेपल्स विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन अ सेम वॉल। जब वो फ्लोरल बड में है तो फ्लोरल बड में किस तरीके से एक पेटल दूसरे पेटल के रेस्पेक्ट में अरेंज है, क्या वो सिर्फ मार्जिन टू मार्जिन टच कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन यहाँ पर नहीं जाएगा। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने फ्रैगमेंट्स कर देता है और हर एक फ्रैगमेंट से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन, जैसे कि स्पायरोगायरा में देखा जाता है, तो ये भी नहीं जाएगा। हाइबरनेशन, विंटर डॉर्मेंसी, विंटर इनएक्टिविटी, विंटर स्लीप, तो ये भी नहीं जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन।